वर्ल्ड डेटा डॉट इन्फो की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑन एन एवरेज बहुत ही कम लोग 70 साल की उम्र से ज्यादा जीते हैं और शायद ही कोई 100 साल से ज्यादा जीता है। इवन आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से कम उम्र में ही डेथ हो रही है, लेकिन वहीं जापान के ओकिनावा शहर में लोग 100 साल की उम्र से भी ज्यादा जीते आ रहे हैं और अपने बुढ़ापे में भी वो ताकतवर फील करते हैं। इसलिए यहाँ ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 100 साल से कम जीते हैं और इसका सीक्रेट वो अपने खाने के तरीके और फिजिकली एक्टिव रहने को बताते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के कल्चर में लोग ऐसा क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं जिससे ये लोग बाकी दुनिया के मुकाबले ज्यादा खुश और लंबे जीते हैं और 80 साल की उम्र में भी एक 20 साल की जवान की एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना सड़ने का रीजन बताएंगे और साथ ही आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के सीक्रेट बताएंगे जो ओकिनावा के लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बैड ईटिंग हैबिट से खराब हो जाता है, जैसे कि खाने को अच्छे से ना चबाना, बिना फाइबर वाला खाना खाना, खाने के तुरंत बाद लेट जाना या सो जाना, बाहर का जंक फूड खाना, और इतना ही नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ खाने से अनरिलेटेड चीजों से भी खराब हो जाता है, जैसे ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन और पर्टिकुलर मेडिसिन से। दोस्तों, जब आपका खाना सही से पचता नहीं है तो वो आपके ही पेट में सड़ता रहता है जिससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड अनगिनत प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसे आज ही कैसे ठीक करना है आइए जान लेते हैं और ये वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है तो ध्यान से सुनिएगा। 6 बेस्ट वे टू इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 1, च्यू योर फूड वेल। हमारे डाइजेशन का प्रोसेस मुंह से ही शुरू हो जाता है, इसलिए आपको अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए। जब आप अपना खाना अच्छे से चबाते हैं तो खाने का 40% डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है, जिसके बाद आपके बाकी पार्ट के लिए डाइजेशन और आसान हो जाता है। आयुर्वेदिक में भी कहा गया है कि आपको अपने खाने को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। इसका मतलब आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए जिससे खाना लिक्विड फॉर्म में हो जाए और आसानी से पच जाए। नंबर 2, नेवर लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। आजकल के बिजी लाइफ में लोग खाना खाने की तुरंत बाद लेट जाते हैं या सो जाते हैं। ऐसा करने से खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, हमारे पेट में चर्निंग एक्टिविटी होती है। इसका मतलब आपका पेट आपके खाने को पचाने के लिए छोटा बड़ा होता है और आपके खाने को अच्छे से मिक्स करता है। अगर आप खाने के तुरंत बाद लेट जाते हो तो इस चर्निंग एक्टिविटी को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे अल्टीमेटली लोगों को जलन, गैस और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। नंबर 3, ईटिंग मोर फाइबर फूड। आपको अपने खाने में हर बार कोई फाइबर वाला फूड जरूर खाना चाहिए। फाइबर वाला खाना खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। फाइबर वाला फूड बुरे बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। इसके लिए आप रोज एक एप्पल खा सकते हो, क्योंकि एप्पल में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 4, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो आज ही पीना बंद कर दे, क्योंकि पानी पीने से पेट में बनने वाले एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं, इससे अल्टीमेटली डाइजेशन पर फर्क पड़ता है। इसलिए खाना खाने के 30 मिनट बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। नंबर 5, स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड एंड जंक फूड। दोस्तों, जंक फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इन जंक और प्रोसेस्ड फूड में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स या विटामिन नहीं होते, जिस वजह से इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स यूज करने पड़ते हैं। आप जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाओगे आपकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। नंबर 6, डेली एक्सरसाइज। दोस्तों, डेली एक्सरसाइज हर चीज के लिए बेनिफिशियल होती है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे बॉडी में फ्रेशनेस आती है, डाइजेशन, फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी सही रहती है और स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल भी कम रहता है, जो अल्टीमेटली डाइजेशन में मदद करता है और इससे आप यंग और एनर्जाइज फील करते हो। सो फाइनली, इन तरीकों को अपने लाइफ में शामिल करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखें। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।